मन दिलदारा असा ते तेनू रब मने दस होर केड़ा रब मने मन दिलदारा असा ते तेनू रब मने प्राची आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, रेडी हो गए हैं, सब के सब लोग रेडी हो गए हैं। बस अब ये है कि गाड़ी में बैठना है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और जो भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है काजल इधर का फैल गया है क्या, इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो गई नहीं, सच्ची बता रही हूँ। दोपहर से पिछले 2-2.5 घंटे से ना एकदम ऊपर नीचे हो रहा है, तो मुझे ना गर्मी भी इतनी जोर लगी। मैंने यहाँ से फ़ैन ऑन किया है, फर्स्ट टाइम ऑन किया है अभी जब से ठंडी गई। और मैं अपनी साड़ी और लुक आपको दिखाऊं, अभी ऐसे नहीं दिखेगा। तो मुझे ना बहुत ब्राइट कलर पसंद है, लेकिन अभी ना मेरा मन किया इस बार कि मैं हल्का सा ना कुछ ऐसे टाइप का कलर पहनती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। और बहुत प्यारी है साड़ी भी और कलर भी बहुत इसका प्यारा है, तो मैं फुल लुक आपको हो सकता है वहीं पहुंच करके फिर आप लोगों को दिखाऊं। जैसे जो भी होगा सूट करूंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, आफ्टर ऑल मेरे देवर की एंगेजमेंट है। और बहुत दिनों से वेट था, मतलब जब से मेरी शादी हुई ना 5 साल से, तब से ऐसा था कब मेरे देवर लोग की शादी होगी, कब शादी होगी। तो फाइनली अब वो दिन आ गया है, इंगेजमेंट है, फिर कितना 3 महीने का गैप है। हाँ, गर्मियों में ही शादी भी है, तो फिर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे शादी वाले। मेरी देवरानी आने वाली, मेरा प्रमोशन हो रहा है, निकाल लीजिए, मैं जेठानी बनने जा रही हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, सासू माँ फिर से दोबारा सास बनने जा रही है। क्या हुआ, क्या देख रहे हो बिट्टू? ये चाची को बार बार देख रहे हैं और चाची डर में कि पता चले मेरे फाउंडेशन में ना हार्ट टच कर दे। क्यों ओली दे दिया और चाची आज लिफ्ट मान नहीं रही, ये बाहर उसको देखना है। अभी और गाड़ियां नहीं आई क्या? हम लोग आधे रास्ते में पहुंच गए हैं और अभी सब गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, सब गाड़ी आ जाए फिर सब एक साथ निकलेंगे यहाँ से। टोल के पास रुके हुए हैं, फिर यहाँ से सब गाड़ियाँ एक साथ निकलेंगी। अरे यार, और हम लोग सोच रहे थे ना कि पापा लोग की गाड़ी सबसे लास्ट में आए, हम लोग पहले पहुँच जाए, तो थोड़ी देर तक ना बिना पल्ले के हम लोग थोड़ा सा जो अच्छे से मतलब ड्रेसअप कर रहे हैं ना उसको दिखा दे। बट मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, पापा लोग भी सब लोग साथ में ही जाएंगे। नहीं, तो वेट कर तो रहे हैं, टोल पार करने दीजिए, फिर टोल पार होते ही फिर निकल जाएंगे, फिर राधे राधे करते अपने से कुछ भी नहीं। हम लोग वेन्यू में पहुंच गए हैं और बाहर सब लोग वेट कर रहे थे कि सारी गाड़ियां आ जाएं, फिर एक साथ सब लोग उतर करके अंदर जाते हैं। अभी पीछे और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इतने में मतलब दो तीन गाड़ियाँ थी जो अभी आ गई हैं, पीछे और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। बट जैसे ही पापा लोग की गाड़ी आएगी ना, सर में हम लोग का पल्ला चला जाएगा। अभी तो अदले राजा को दिखा दूँ, मैचिंग मैचिंग, ये पता नहीं कैसे हम दोनों के एकदम मैचिंग मैचिंग हो गए हैं, कोइंसिडेंट ही हो गया है। क्योंकि नहीं, भाभी जान के लिए पहले मैंने साड़ी खरीदा है, आपने बाद में खरीदा है, आप तो बाद में लेने गए थे। चलते हैं अंदर, इसको रखा रह लीजिए गाड़ी में, जरूरत पड़ेगी तब लेना। पीछे रखे ना साड़ियाँ सब, अरे वो देने के लिए
नीचे उतार दे इनका। उद्दू उद्दू पा गए अपनी हर्षिता बुआ को। उतर उतर जाओ नीचे तो। जी इनको देखो चाचू की शादी को फुल एंजॉय करेंगे। बेटू दूर नहीं जाना चाहते। दीदी जाने दीदी किचू आ किचू स्माइल करो किचू स्माइल करो किसके पास जाओगी आ जाओ आपको पसंद आई आप इनके साथ जाना चाहती हो वो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती है मेरा हाथ दर्द अब परीक्षा स्टार्ट हो रही है तो परीक्षा और इंगेजमेंट दोनों एक साथ ही हो रहा है तो सबसे पहले परीक्षा होगी इसके बाद फिर दुल्हन की ओली डाली जाएगी फिर रिंग सेरेमनी सबसे लास्ट में होगी। तो अभी आप देख सकते हो देवर जी बैठ गए हैं परीक्षा के लिए और ये सब चीज़ें ना देखना ठीक है लेकिन सच बताऊँ बहुत बोरिंग टाइप का लगता है क्योंकि और किसी का कोई लेना देना होता नहीं है बस पंडित जी मंत्र पढ़े जाते हैं और दूल्हा बेचारा चुपचाप बैठे हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। तो ये जो तिलक वाला होता है परीक्षा वाला होता है ना ये सब प्रोसेस मुझे थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है मतलब हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा बट मुझे उतना समझ में नहीं आता है बस पंडित जी अपने ही आप में मंत्र पढ़े जाते हैं।
अब मेरी देवरानी की एंट्री हो रही है, तो मुझे पता है पूरे वीडियो में ना आप लोग बस इस मोमेंट का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होगी कि कब मेरी देवरानी आपको दिखेगी। तो लो जी देख लो मेरी देवरानी को, और सच में इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है ना कि सामने से तो और भी ज़्यादा प्यारी दिख रही थी। खैर वीडियो में भी बहुत प्यारी दिख रही है, आप लोग बताना कैसी लगी आपको मेरी देवरानी। तो ये है मेरी सेकेंड नंबर की देवरानी, और अभी थर्ड नंबर की देवरानी भी आएगी। माँ यहाँ पर जो भी ओली वाला प्रोसेस होता है ना वो कर रही हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर ओली वाला जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी हद तक हो गया है। ऐसे जो मतलब सास होती ना बहू को सारा सामान देना और जो भी जितना आता है ससुराल साइड से वो सब कुछ सासू माँ बहू के ओली में डालती हैं, उसी को बोलते हैं ओली डालना। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टच करा करा करके फिर सारा सामान रख दिया जाता है, और फिर इसके बाद घर में जितने लोग भी बड़े होंगे ना सब ओली डालते हैं। तो अभी पहले माँ डाल रही हैं, मतलब सास डाल रही हैं, फिर सास के बाद दोनों चाची सास डालेंगी, फिर मैं हूँ जेठानी तो मैं डालूंगी, ऐसे ऐसे करके ना ननन सब लोग डालेंगे, मतलब जितने लोग भी घर में बड़े होते हैं। तो बस अभी यही हो रहा था। और कैमरा क्वालिटी आपको बताऊं, मतलब कैमरे क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, बट लाइट में वहाँ बहुत कमी थी। ऐसे मतलब कलरफुल वाली लाइट थी ना, और ऊपर से ये जो कैमरामैन वाली लाइट चमक जा रही थी तो बिल्कुल भी वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था। और सच बताऊं लाइट मुझे उतनी समझ नहीं आई, कैमरे के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थी। यहाँ पे वो बहुत ना रेड ब्लू ऐसे टाइप की लाइट जल रही थी, और बहुत डिम टाइप की लाइट थी, और इतनी डिम लाइट में ना कैमरा वो कैप्चर नहीं कर पाता है, जो क्लियरिटी रहती है ना वो नहीं रहती है। तो मैं ये वाली पूरी की पूरी क्लिप से ना सेटिस्फाइड नहीं थी, बट यही था कि सूट है तो चलो डाल देती हूँ, बट वही लग रहा था कि यार बिल्कुल भी क्लियर नहीं है यहाँ पर। Thank you.
भाभी अच्छा फील हो रहा है भाभी। अच्छा अभी तक आइए भाई हेलो इधर देखो इधर देखो इधर